सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास सेटिस्फेक्शन है। आप क्या करके संतुष्ट होते हैं? क्या आपके पास में कोई एक वजह है सेटिस्फाइड होने की? ऐसा क्या काम है जिसको करने के बाद में आपको रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है? तो आपका जवाब होगा कि मुझे अपने बनाए हुए सपनों के लिए मेहनत करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं जो करना चाहता हूँ वही करके खुश होता हूँ। लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप जो कर रहे हैं उससे आप क्या संतुष्ट हैं? क्या आपके पास में वो है जो आप चाहते हैं या जो आपके पास में होना चाहिए, या आपके पास में जो है उसी से आप केवल संतुष्ट हैं? क्या आप वहां तक पहुंच गए जहां तक आप जाना चाहते थे? फिर आपका जवाब होगा कि नहीं। तो ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? फिर आप कहोगे कि मेरी मेहनत इफेक्टिव नहीं है, मैं शुरू नहीं कर पाता हूँ, शुरू कर देता हूँ तो बीच में छोड़ देता हूँ, मेरे काम बनते बनते रह जाते हैं, सिलेक्शन होने वाला था लेकिन यार एक नंबर कम पड़ गया। मेरा मानना है कि इन सब की वजह है आपका खुद पर विश्वास नहीं होना। एक नंबर कम पड़ सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान हो आप भी। अगली बार कोशिश नहीं करना, या अगली बार जब कोशिश करो तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि यार पिछली बार भी रह गया था, इस बार भी रह जाऊंगा, तो छोड़ो क्या करना। ये जो विचार है ना, ये विचार आपके सपनों को तोड़ता है, आपकी अपनी हिम्मत को तोड़ता है। आपने कभी खुद की इतनी वैल्यू नहीं की कि आप खुद को वैल्यूएबल बना सकें। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। जानवरों की तरह जिंदगी को काटते नहीं रहना है, जस्ट हैव सम प्लान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए वक्त नहीं होता, खुद से बात करने का टाइम नहीं होता। पता नहीं किसके लिए जी रहे हैं, उनकी दिनचर्या इतनी बिजी रहती है ना कि वो काम काज और जीवन की परेशानियों के बीच फंस कर रह जाते हैं, जैसे मकड़ी के जाल में कोई दूसरा कीट पतंग फंस जाता है उस तरह से, और फिर मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अलसाए हुए रहते हो आप। इन सब की वजह है आपकी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल। आपने खुद को इतनी छूट दे रखी है ना कि आप कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी को ना नहीं करना, या कोई आपको हर्ट करके चला जाता ना तो आप हर्ट भी हो जाते हो और कोई आपका फायदा भी उठा सकता है। अपने हिसाब से आपके खुद के लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रूल नहीं है खुद के लिए। वाई, क्यों? आपको सुबह उठने का नहीं पता, शाम को सोने का नहीं पता, मेहनत कैसे करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, ये भी नहीं पता। यानी सब बातों की एक बात, एक जड़, आपका टाइम टेबल, आपका रूटीन, आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं, एनवायरमेंट, जिन थॉट्स के बीच में आप रहते हो, जिन विचारों के बीच में आप रहते हो, जिसमें आपके गलत विचार, नेगेटिविटी, आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग, सोशल मीडिया, सब आ जाते हैं आपके पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में। रूटीन सही मायने में शुरू होता है आपके सुबह उठने के साथ। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। आपके दिन के पूरे 1440 मिनट सुबह उठते ही डिसाइड हो जाते हैं, तो उस पछतावे के साथ मत जागिए कि जिसे आप पूरा नहीं कर पाए थे कल में, उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आज आपको पूरा करना है। आपका दिन कैसा रहने वाला है, पूरे दिन आपका मूड, आपका विचार कैसे रहने वाले हैं, ये सब आपके सुबह उठने की पहली मिनट पे डिपेंड करता है। अगर आपको सुबह उठते ही ऐसा मोटिवेशन मिल जाए ना जिससे आपका पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे, पूरे दिन की मेहनत से रात को सेटिस्फाइड होकर सो सको, तो जरूरी है कि जो विचार मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, उनको आप अपने जीवन में फॉलो करो। अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक बना सकते हो, अपने सपनों के लिए ज्यादा काम कर सकते हो, पूरे दिन पॉजिटिव रह सकते हो अपनी जिंदगी के ना, जितने काम बिगड़े हुए हैं उन सबको आप ठीक कर सकते हो। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए रोजाना सुबह कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब सुबह जल्दी उठ रहे हो ना, तो सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलो कि ईश्वर आपका धन्यवाद जो आपने मुझे एक और दिन दिया है, इस सुहानी सुबह तक आपको जिंदा रखा है। नहीं तो कई लोग हैं जो अगली सुबह उठ ही नहीं पाते। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय केवल आज का है, कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो। इसलिए ईश्वर का शुक्रिया करने से आपके मन में स्टेबिलिटी आती है, आपको अपने अस्तित्व का आभास होता है। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। हमेशा हर दिन सुबह अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। खुद से कहो कि मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूँ, मेरे कल से मेरा आज बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही है, मैं सबसे बेहतरीन इंसान हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई बुरे विचार नहीं है, ना मैं किसी का बुरा चाहता, मेरे चारों तरफ सब तरीके की पॉजिटिविटी है। खुद को ऐसा कहने से आपकी आत्मा को, आपके मन को ये पता चलता है कि आप क्या हैं। ये सब सुनकर आपका मन आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना के रखता है। आपके जीवन में जो कुछ भी है उन सभी चीजों को याद करो और अपने ईश्वर से कहो कि हे मालिक, जो तूने मुझे दिया है, जो तू मुझे देने वाला है या जो तू देना चाहता है, उन सब के लिए शुक्रिया। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। सम ऑफ
Them were blessings and some were lessons. And I'm grateful for every single thing you sent my way. Positive affirmations और gratitude के कारण ना आप अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हो। इससे लाइफ और भी ज्यादा बेहतर होने लगती है। आपके मन में अगर बुरा ख्याल आ रहा ना, या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तब भी अच्छी चीजों को याद करके ईश्वर का शुक्रिया करना नहीं भूले, क्योंकि हो सकता है आपकी हालत इससे भी ज्यादा बदतर हो सकती थी। ईश्वर को हर चीज के लिए थैंक यू कहें, ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली ताकत होगी। हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे साथ वैसा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी नेगेटिव इमोशंस को महसूस ही नहीं करते। हम इंसान हैं, हमें हर तरह की भावनाएं महसूस होती है, इट्स नॉर्मल। काम से लेकर पर्सनल लाइफ में कई बार हम बहुत निराशा महसूस करते हैं, दिन भर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, कभी हम अपने पास्ट को और कभी फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर ना परेशान होते रहते हैं, तो कभी हमारी आसपास की सिचुएशन ऐसी होती है, आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिव फील करवाते हैं, इन सब की वजह से हम इतने तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, कैसी भी परिस्थिति हो, खुद को हराना है या खुद को जिताना है, दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। ये आप पर निर्भर करता है। जब भी जिंदगी आपको पटक दे या पीछे ढकेल देना, तो समझ जाना कि एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। खुद को इतनी पॉजिटिव एनर्जी देकर के रखनी है कि आप किसी भी अच्छे काम को शुरू करो, किसी भी बुरे विचार से निकलने का प्रयास कर सको। अगर कोई दुखों की खिड़की आपको अपनी जिंदगी की खूबसूरती देखने से मना कर रही है ना, रोक रही है ना, उस खिड़की को बंद कर दो यार। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आपको बस अपना मन बनाना है, मन आप जीत सकते हो। और मन पर कंट्रोल मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम से किया जा सकता है, इट्स पॉसिबल। लोगों ने किया है ऐसा, आप भी कर सकते हो। अगर ये सब आपकी आदतों में शामिल है ना, तो आपके चंचल मन को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो हर पल हर वक्त पॉजिटिव रहना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसके लिए हमें एक सही माइंडसेट और एक सही सोच की जरूरत है। अपने लाइफ में खुश रहने के लिए आप उन चीजों पर फोकस करो जो आपके पास में है, ना कि उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड देखने की बजाय ना, हम दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करके उदास होते रहते हैं कि उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। याद रखो मेरे भाई, आपकी खुशी आपके ही हाथ में है। अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, हमें पहले खुद को और अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन, जो कैसी भी हो सकती है, घटिया या महाघटिया, उसको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि हम तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपके पास आज क्या नहीं है, जरूरी ये है कि आज आप ऐसा क्या जबरदस्त करें जिससे आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहते हैं। आपको किन किन चीजों से खुशी महसूस होती है, इस पे आप ध्यान दो। किस काम को करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन चीजों उन कामों को लेकर खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करो। दुनिया भर की उलझने पालने से अच्छा है कि खुद पर और अपने ड्रीम्स पर फोकस करो, और देखो कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपके पास अभी कौन सी चीजें हैं, और फ्यूचर में आपको क्या क्या करना है, जिंदगी में किस मुकाम को हासिल करना है, इस बारे में सोचो। और वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लेकर के आओ, क्योंकि जिंदगी में जो बुरी परिस्थितियों के आंधी तूफान चलते रहते हैं ना, उनका कोई अंत नहीं है, वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करने के बाद आपको ये लगे कि बस आज के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यार, प्रॉब्लम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। आपको उन प्रॉब्लम्स को ये दिखाना है कि आपके मन में उनकी वजह से कोई डर नहीं है। आप सुकून से अपना काम करें, ठहराव है आप में, कुछ कर दिखाने का जज्बा है आप में। वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। शांति का मतलब ये नहीं है कि आपके बाहर सब कुछ शांत है, सब सुंदर दिख रहा है, कोई हलचल नहीं है, क्योंकि ये शांति टेम्पररी है। शांति का मतलब है हमारे अंदर सब कुछ शांत है, हमारा मन शांत है, वही असली शांति है। क्योंकि जिसका मन अगर शांत नहीं है ना, तो उसे कितनी ही सुंदर जगह पे ले जाके बैठा दो, उसका मन वहां भी दुखी रहेगा, वहां पे भी वो खुश नहीं रहने वाला। लेकिन जिसका मन शांत है ना, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, मौसम कैसा हो, आंधी तूफान कैसे हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भूकंप आ रहा हो, पहाड़ टूट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आसपास सब कुछ नष्ट हो गया हो, लेकिन उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका मन शांत है, उसकी लाइफ में एक ड्रीम है, उसी ड्रीम के लिए वो शांत रह के काम कर रहा है, ही इज फोकस्ड इन हिज लाइफ। जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। जिंदगी के बारे में जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसे ही बनते जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचो, मन को शांत रखो, मेडिटेशन करके माइंड को कंट्रोल करना सीखो, खुद से बातें करना सीखो, खुद से सवाल पूछना सीखो। जब हम खुद से बातें करते हैं ना, तो नेगेटिव
बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमेशा मेरे साथ यार बुरा क्यों होता है, या मुझसे नहीं होगा, या मुझमें ऐसी काबिलियत ही नहीं करने की। इस तरह की बातें नहीं कहनी खुद से, क्योंकि धीरे धीरे ये हमारी आदतें बन जाती है और हम अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी खुद से बात करें ना, पॉजिटिव रहो और कहो कि आई कैन डू इट, इफ समबडी एल्स कैन डू आई कैन ऑल्सो डू, और मैं उससे बेहतर ही कर सकता हूँ। इस तरह की बातें अपने आप से कहें, यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। ऐसी सभी फालतू की इच्छाओं, लोगों, आदतों का साथ छोड़ दे जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं। आपको बस अपना लक्ष्य याद रखना है, उनकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। आप ये कर सकते हैं, आप में इससे भी ज्यादा करने की काबिलियत है। इसलिए खुद को डिमोरलाइज और डिमोटिवेट कभी नहीं करना। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक रिसर्च में बताया गया है कि खुद से सकारात्मक बातें करने से हमारी इनर वॉइस हमेशा सकारात्मक रहती है। सबकॉन्शियस लेवल में खुद को बढ़ावा देना सीखते हैं। ये सोचना तो आप बिल्कुल ही बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि जो आपको ठीक लग रहा है ना, जो आपके लिए सही है, वो आप करते रहें। सबको खुश रखने का जिम्मा नहीं है आपका, ना ही आप रख सकते हैं। एक को खुश रखोगे ना तो दूसरा दुखी हो जाएगा। इसलिए जिसमें आपका, आपके परिवार का, समाज का हित हो, वही कीजिए। लोगों की सोच को साइड में रखते हुए अपनी जिंदगी का मजा लेते हुए जिंदगी का सफर तय कीजिए। कोई परेशानी, कोई मुसीबत या कोई बीमारी ना आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। आपके जीवन का हर पल ईश्वर के द्वारा प्लान्ड है, बस आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, आपको बस कदम उठाना है। रास्ता ऊपर वाला दिखाएगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे ना, तो आपको समय पीछे छोड़ करके किसी और के साथ चल देगा। अकेले बैठे रहना फिर हाथ पे हाथ धरे। आपको अपने लिए समय बचाकर उस पर काम करना है। अच्छे परिणाम कोशिशों के मिलते हैं, टेंशन के नहीं मिलते, सोचने के नहीं मिलते, नेगेटिविटी के नहीं मिलते। अपने प्रयत्नों और प्रयासों से, हमें परिस्थितियों, अपने एफर्ट्स की वजह से अपनी जो बैड से बैड कंडीशन है ना, सिचुएशन है, उसमें भी आप धैर्य रख करके साहस और मनोबल से सामना करते हुए आप उनको पछाड़ सकते हो, उनको अपने अनुकूल बना सकते हो। सफलता और विफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, याद रखना। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको ये स्वीकार करना कि भाई मैं जीत भी सकता हूँ, मैं हार भी सकता हूँ। अगर मैं जीत गया तो इसमें आगे काम करूंगा, अगर मैं हार गया तो अगली बार जीतने तक इस पे फिर काम करूंगा, लेकिन गिव अप नहीं करूंगा। अपनी हार को स्वीकार करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। एक बार फेल हो जाने के बाद ना, वो दोबारा कोशिश करना ही नहीं चाहते, टूट जाते हैं। सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है। जबकि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। फिर से शुरुआत करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। याद रखना इस बात, इतिहास हजारों बार ठोकर खाने से बनते हैं। इसलिए अधिक से अधिक अच्छा सोचें, अच्छा करें, दूसरों की अच्छाई की सराहना करें। जो देंगे ना, वही डबल होकर वापस आएगा आपके पास। ईश्वर में आस्था रखने व उसके प्रति डिवोटेड भाव से जीने से एक अलग आत्मविश्वास और निश्चिंतता का भाव क्रिएट होता है और हम पॉजिटिव रह सकते हैं। कोई दूसरा आपको खुश रख सके या नहीं रख सके, ये मुमकिन नहीं है। खुद खुश रहना सीखिए। इतना समझ लो कि सुख दुख, हार जीत और सफलता विफलता, ये सब जीवन के इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। इन्हीं के साथ से जीवन को गति मिलती है। आपके जीवन की हर अगली सेकंड उस भगवान के द्वारा दिए गए एक वरदान के बराबर है, क्योंकि सिर्फ भगवान को ही पता है कि आपकी कौन सी सेकंड यहाँ पे लास्ट होने वाली है। इसलिए जीवन के हर पल को चैलेंज समझकर सहजता और सरलता से खुशी खुशी जीवन को बिताइए। आनंद और उल्लास से भरे रहो, पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। आपका सुबह जल्दी उठना, खुद को अच्छा महसूस करवाना और खुद से अच्छी बातें करना, खुद को अप्रिसिएट करना, ये सब आपको पूरे दिन भर की थकान से दूर रख सकते हैं और आपके टारगेट की तरफ आपको धकेल सकते हैं। आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहकर और फोकस्ड रहकर अपना काम कर सकते हो और हर सुबह की इसी तरह से शानदार शुरुआत करके देश में, अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।